जय जिनेंद्र बंधु, आज फिर स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं तीर्थंकरों के कल्याणकों से पावन पवित्र भूमि सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर में बन रहे श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 11वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्या श्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विधा श्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 21 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 22वें दिन यानी 23 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे और सभी पुरुषों ने पूर्ण भक्ति भाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। आनंद रूप चेतन भंत सदगुणता शक्ति सप्त धातु गर्भादि अव प्राप्त मुक्त सौका प्रदायक जान पावना सर्वसा सुखा जिनमन संस्था अग्नि शांति शांति वायु शांति शांति। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आनंदी अपार है भक्ति का प्रसार है आदिनाथ भगवान की आरती बारंबार है आनंदी अपार। धर्म प्रेमी बंधुओं, कल आप 8 शुद्धियों के बारे में चर्चा सुन रहे थे। आज ध्यान कैसे करें, उस नमोकार मंत्र का आचार्य भगवान कहते हैं, राग देश मन में मत रखो। यदि कदाचित हो भी जाए तो धर्म ध्यान से नमोकार मंत्र के स्मरण से उसे दूर कर दो, उससे नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अर्थात ध्यानाग्नि सर्व करुणानि भस्म सात कुरुते क्षणा। ध्यान रूपी अग्नि से अर्थात आत्मा और परमात्मा का ध्यान करने से, नमोकार मंत्र का ध्यान करने से एकाग्रता होती है। जितनी समय एकाग्रता रहती है वह क्षणात् माने क्षण मात्र में ही कर्म का नष्ट हो जाते हैं, हमारे पाप कर्म विलीन हो जाते हैं, रागादि परिणाम नष्ट हो जाते हैं। उस ध्यान नमोकार मंत्र के ध्यान के बारे में आचार्य भगवान ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया है, उसे संक्षेप में बताते हैं कि आचार्य कहते हैं कि वैखरी अर्थात कल कहा था ना जप, जा उपा दो शब्दों से ये जप बना है। जाकारो जन्म विच्छेद है, जा कहने से जन्म का विच्छेद, जन्म मरण का विच्छेद होता है, नाश होता है। उपाकारो पाप नाशनम, पा कहने से पाप का नाश होता है। जिस मंत्र के जपने से जन्म मरण रूपी रोग का नाश हो और पाप का नाश हो उसे हम जाप कहते हैं। भाई जाप हम कैसे करें, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वैखरी अर्थात जब तुम उस मंत्र का जाप जोर जोर से करते हो, ओठ भी हिलते हैं, जिभ्या भी हिलती है, सामने वाले भी सुनता है और तुम स्वयं सुनते हो, उसे वैखरी जाप कहते हैं। उससे 25% तुम्हारी आत्मा में लाभ होता है और 75% वह हवा में बह जाता है तुम्हारा पुण्य। इस प्रकार से
दूसरे कहते हैं कि वो पांशु जाप, वो पांशु अर्थात ओंठ नहीं हिलते हैं, मन में जिभ्या हिलती है और जो जाप की जाती है, नमो अरहंताणम आदि पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं उपांशु जाप। उससे तुम्हें कहते हैं 50% तुम्हारी आत्मा में लाभ होता है। और मानसिक जाप अर्थात मन मन में ही ना ओंठ हिलते हैं ना जिभ्या हिलती है, मन मन में जो नमोकार मंत्र का स्मरण किया जाता है, मन मन में जो नमोकार मंत्र चलता है, उसे मानसिक जाप कहते हैं। जैसे यदि बच्चा स्कूल से लेट आता है तो माँ बार बार बाहर आती है, अंदर जाती है, कहती कुछ नहीं है, कभी कभी विचार करती है कि क्या करें, क्या कारण है, कभी बच्चे का ध्यान करती है। ऐसे ही भाई साधक नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए ध्यान करता है, बार बार ध्यान करता है, अपने मन को बार बार अंदर ले जाता है, उस आत्मा में और परमात्मा में के ध्यान में बार बार अपने मन को डुबोता रहता है, डुबकी लगाता रहता है, उसे हम मानसिक जाप कहते हैं। और मानसिक जाप से 75% कितना हो गया, 75% आत्मा को लाभ होता है। वह जाप तुम्हारे आत्मा को निर्मल बनाती है, पवित्र करती है, परिणामों में विशुद्धि लाती है, जिससे पाप कर्म क्षण क्षण में क्षय को प्राप्त होते हैं। और कहते सूक्ष्म जाप, जो नमो अरहंताणम ऐसा कहकर हम बैठ जाते हैं, अब समता भाव में बैठ गए, भाई सामयिक है, भाई ध्यान है, भाई समता भाव है, अभी नमोकार नमो सिद्धाणम बोलने का परिणाम नहीं आया, विकल्प नहीं आया, सूक्ष्म जाप कहलाती है। जितनी अवस्था में नमो सिद्धाणम कहने का विकल्प नहीं आया, उतने समय तक आत्मा निर्विकल्प अवस्था में रहती है। और निर्विकल्प अवस्था असंख्यात कर्मों की निर्णय करने में सहायक बनता है, उससे 100% आत्मा को लाभ होता है। वह निर्विकल्प अवस्था में एक नियम रूप होती है, एक अनियमित रूप होती है। नियम रूप प्रभात में, मध्यान्ह में और सायंकाल, तीनों टाइम। और अनियम रूप अर्थात जहाँ बैठ गए तहाँ हम आत्मा और परमात्मा का ध्यान करते हैं, ध्यान करते ही या नवोकार मंत्र का ध्यान करते हैं तो हमारे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो जाए। कहते एक व्यक्ति ने साल भर रुई का ढेर लगा दिया एकत्रित कर करके, एक चिंगारी जैसे ही आगे की लगी और वह कितने देर में जल जाता है, कहते क्षण भर में वह नाश को प्राप्त, जल का नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जीवन भर किया हुआ पाप कर्म, पाप बंद हुआ हमारे जीवन में और वह कहते एक क्षण में जैसे ही हमने नमोकार मंत्र का ध्यान किया, स्मरण किया, चिंतन मनन किया और जितनी एकाग्रता हुई वह कर्म नष्ट हो जाते। ऐसे नमोकार मंत्र का ध्यान करके अनेक जीव तिर गए, अंजन जैसा पापी भी इस नमोकार मंत्र के ध्यान से कैलाश पर्वत पर गया,
दीक्षा ली, तपस्वन किया और श्री भाव से मोक्ष चला गया। कहते हे भाई, अपने जीवन में धर्म ध्यान यदि नहीं है, धर्म ध्यान है तो यह जीवन सार्थक है, धर्म ध्यान नहीं है तो यह जीवन निरर्थक है। थोड़ा सा हो इसकी कीमत धर्म ध्यान से है, बिना धर्म ध्यान के नहीं है। वह धर्म बाहर नहीं है, वह धर्म तुम्हारे अंदर में है। उस धर्म को पहचानो, उसे जानने का प्रयत्न करो। कहते हैं बाहर तो ये धर्म ध्यान के साधन है, हम मंदिर में आकर भगवान के समक्ष आते हैं तो यहाँ का वातावरण, यहाँ की वायु बड़ी पवित्र होती है। वातावरण भी पवित्र होता है और हम जैसे ही बैठते हैं माला जाप में तो हमारा मन भी सहजता में लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। जैसे ही घर में कमरे में आया चोर और चोरी करके चला गया, पुलिस आई, उसने उस कमरे में कुत्ता छोड़ा, उसकी गंध से उस चोर को पकड़ के चोरी पकड़वा देता है। ये क्या है? ये कि उस जिस कमरे में वह चोर का चोरी करने आया था वह चोर चला गया, लेकिन उसके शरीर की जो गंध थी ना वह रह गई, उससे वह उसे पकड़ लेता। ऐसे ही हम यहाँ आते हैं तो हमारे जो वायु स्वच्छ पवित्र वायु है, आवा मंडल है इन परमात्मा का, तो उनको देखकर हम अपने जीवन में भी उस सहजता, उस पवित्रता को उस जीवन में अपने लाकर अपने जीवन को पवित्र और पावन बना लेते हैं। कल हम देखेंगे ये परमात्मा आसन में बैठे हैं, इसका क्या महत्व है और इससे हमें क्या मिलता है, कौन सी ऊर्जा और शक्ति मिलती है, कल इसके बारे में बताएंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। गुरुदेव तुम्हारे वंदन से उर्मि समता आती है। ओम नमो आचार्य गुरुदेव हरी शरण उनके बिगड़े मनस प्यारे जिनके मन मंदिर में तुमको ही ध्यावे, सांझ सवेरे बाबा गुण तेरे गाए। लो सब श्रवणम ओम मनीषनादि निमंत्र मानर पद प्राप्त जय माला पुड़ंगन पामती स्वाहा। चतुर संति यक्षक्षिणी चेतपाल सहिता वृषवादि महावि पर चतुर संति जनंदाय तिशा एक समाज विद्याश्री माता जी के चरणों में अनर्पण प्राप्त अर्घन पाम तिशा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, माँ पद्मावती अमर कुशमांडी जगदम्बा काल। आज विधान करके इतना आनंद आया है, मन प्रसन्न हो गया। और क्या, अगर आदिनाथ भगवान की तेरनाथधारी प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है, इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है कि सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। आदिनाथ भगवान की जय। की जय। आज के विधान में बड़ा आनंद आया और आज नमोकार मंत्र के बारे में हमें डीपली ज्ञान हुआ। जो विधान हुआ था हमें आज तक इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, जो आज हमें जानकारी नमोकार मंत्र के बारे में हमें मिली। मैं भगवान के मंदिर में आज सकी। हम पहले आगरा में हमारे जो भगवान विराजमान थे, जो हम इतने दिनों बाद उनके दर्शन करने को आए, मेरा बस मन, मैं बता नहीं सकती हूँ अपने शब्दों से कि मैं कितनी आज आनंद से खुशी हुई हूँ कि मैं अपने भगवान के आज दर्शन कर पाई। भगवान आप बस मेरे ऊपर यही आशीर्वाद लगाए रखना, मेरे मम्मी पापा के सारे सारे कष्ट दूर करना। बंधुओं, यहाँ पर 13वां विधान हो रहा है, विधान के अंदर बहुत आनंद आ रहा है। जितने भी दूर दूर से अहमदाबाद बम्बई कलकत्ता को जिनको कष्ट की विभूति है, वो सब न दूर करने के लिए भगवान के चरणों में अभिषेक पूजा करते हैं तो उनको सब दूर हो जाता है। आप सब बंधुओं से भी निवेदन है, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि वो भी यहाँ पर पधारें और अपने घर के परिवार को सुख शांति के लाभ लें। बोले श्री आदिनाथ भगवान की जय।
मैं यहाँ पर हम सब दुर्गापुर से आए हैं, पश्चिम बंगाल से। माता जी, भैया जी, सबको मेरी वंदना वंदामी। आज यहाँ हमने भैया जी और माता जी के सानिध्य में विधान किया, विधान सुना, बहुत ही अच्छा लगा। दीदी लोगों का बहुत सहयोग है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा पाठ विधान भक्ति की, जो देख के हम सबको बहुत आनंद की विभूति हुई। और गुरुओं का बहुत आशीर्वाद मिला, पोती भैया जी जैसे भैया जी नहीं दुनिया में, माता जी जैसी माता जी नहीं, उनका जितना हम सबके ऊपर आशीर्वाद है जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, उनकी उनकी इतनी प्रभावना है कि हम कह नहीं सकते, शब्दों में हमारे पास शब्द नहीं है उनकी प्रशंसा करने के लिए। उन सबको मैं वंदनामी करती हूँ, प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में साक्षात विराजमान 2400 तीर्थंकरों के चरणों में मैं बारंबार वंदना करती हूँ, वंदना करती हूँ, वंदना करती हूँ। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। सातवीं आरती माँ जी ने वाणी, ज्ञानति स्वर्गि मोक्ष सुख दानी, आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, आरती वर्धमान की। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आप भी हस्तिनापुर पहुँचे और कम से कम एक विधान तो अवश्य कराएं। जय जिनेंद्र।